खजुराहो में हुए सलमान खान की हत्या में अब ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन भी मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने का इंतजार कर रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन को 3 दिसंबर का इंतजार है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर टीवी। दरअसल आप सभी को पता ही है कि मध्य प्रदेश में जिस दिन मतदान था वो तारीख थी 17 नवंबर, और 17 नवंबर को छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा में कांग्रेस से पार्षद सलमान खान की हत्या का मामला सामने आया था। हत्या की खबर सभी को 17 तारीख की सुबह सुबह ही लग गई थी, जब नाती राजा के द्वारा अरविंद पटेरिया के ऊपर FIR की गई थी और मीडिया के सामने उन्होंने रोते हुए अपना बयान दिया था। इसके बाद खबर तमाम न्यूज चैनलों पर चली और इसके बाद फिर दिग्विजय सिंह खजुराहो पहुंचे, उन्होंने भी अपना धरना प्रदर्शन किया था। फिर BD शर्मा छतरपुर आए, छतरपुर कलेक्टर को उन्होंने अपना निष्पक्ष जांच के लिए आवेदन दिया और इसके अलावा नाती राजा और उनके कार्यकर्ताओं पर FIR कराई। इसके बाद एक और FIR हुई, लेकिन 3 FIR होने के बाद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। FIR किस पार्टी के कौन से नेता पर कौन सी धारा लगी है, ये जानकारी आप हमारे पिछले दिनों के वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि 17 नवंबर को यह हादसा हुआ और अभी तक इस घटना पर कुछ खास प्रकार का रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। छतरपुर SP अमित सांगी का कहना है कि जब तक सभी आरोपियों की भूमिका क्लियर नहीं हो जाती है, सबूत नहीं मिलेंगे, तब तक गिरफ्तारी कैसे की जा सकती है। इसके अलावा पुलिस के द्वारा कुछ CCTV फोटोज भी मंगवाई गई हैं, कुछ लोगों के बयान भी दर्ज करवाए जा रहे हैं, रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा मृतक सलमान खान की पत्नी का भी एक बयान आया है जिसमें वो अरविंद पटेरिया को आरोपी बता रही हैं। आप उनका बयान हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ खबर मिलती है तो हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। देखते रहिए खबर TV।